YouTube channel, it's me Radhika. आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. सो आज का टॉपिक है कि मैं अपने बालों को विदाउट यूजिंग स्ट्रेटनर, विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ हीट प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करें अपने बालों को स्ट्रेट करूंगी. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 ग्लास दूध लिया है, मिल्क. और अब मैं बाउल के अंदर मैदा डालूंगी आपके अकॉर्डिंग, आपके हेयर ग्रोथ के, अभी कितने लंबे हेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग. आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, थोड़ा सा बचा के, जिससे अगर आपको लगे कि ज़्यादा हो गया फिर कम हो रहा है तो आप डाल सकते हो. और थोड़ा सा कर्ड डालूंगी उसके अंदर, दही 1 चम्मच. ना उसको मैं मिक्स कर दूंगी. उसके बाद थोड़ा सा दूध डालूंगी उसके अंदर, मिल्क. फिर मैं उस सबको साथ में लेकर मिक्स कर दूंगी. अच्छी तरीके से इसकी गुठली वगैरह जो भी होती हैं वो सब निकाल दूंगी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी. थोड़ा सा मैं और डालूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा और डाल दिया. अब मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से. सो गाइस, अब मैं रेमेडी बनाकर ले आई हूँ तो आप देख सकते हो मेरी रेमेडी. ओह, नीचे गिर गई है. कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन. गिरनी थी थोड़ी सी तो अब मैं अपने बालों को 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और एक थोड़े से पार्ट को यहाँ पे जूड़ा बना लूंगी लाइक दिस और क्लचर लगा लूंगी. ये मैंने क्लचर लगा लिया है. अब मैं थोड़े से लास्ट के पार्ट को लूंगी और ये जो रेमेडी है लगा लूंगी लाइक दिस. सो गाइस, मैं अपने बालों में अच्छे तरीके से इसको लगा लूंगी. एक्चुअली पीछे के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो मैंने इसका वॉल्यूम बंद कर दिया है और रिकॉर्डिंग से भूल रही हूँ. सो अच्छी तरीके से बालों में इसको लगा लेंगे. बाल है मैं लगा लूंगी.
तरफ अच्छी तरीके से मैं लगा लूंगी वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।